सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लुमिस मेथड की हेल्प से एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाले हैं। एंड इसके पहले भी लुमिस मेथड पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड गाइस, इसकी एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसमें लुमिस मेथड से रिलेटेड सारे वीडियोस इंक्लूडेड हैं, तो आप वो वाला प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइस, यहाँ पर जो हमारी पेपर है वो ब्रिस्टॉल की पेपर है। इसकी जो पेपर की रिव्यू है वो भी वीडियो मैंने अपलोड करा है यूट्यूब पे, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि मैं कौन से पेपर यूज़ करता हूँ। एंड जो पेंसिल हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे लाइट पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग लाइट पेंसिल यूज़ करेंगे। एंड लेटर जब हमारी रफ आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसे फाइन दिखाने के लिए थोड़ा सा डार्कर पेंसिल यूज़ कर लेंगे। तो मैं आगे चल के 0.5 mm की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ। जब मेरी जो रफ स्केच आउटलाइन है तो वो कंप्लीट हो जाएगी, देन हम लोग जो है वो 0.5 mm वाली मैकेनिकल पेंसिल जो आती है वो हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारी जो है वो सेंटर लाइन हो जाती है यहाँ पे। एंड अब हम लोग जो है आई लाइन एंड नोज लाइन को जो है वो दिखाने वाले हैं। तो वो दिखाने से पहले हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो स्मॉल सर्कल होता है उसके अंदर हम लोग दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है हमें रेफरेंस फ़ोटो के हेल्प से अब पता चलता है कि लाइंस जो है वो किस डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है। एंड यहाँ पर जो आईब्रो लाइन की पोजिशन है तो वो जो है हम लोग स्मॉल सर्कल के एक डायमीटर से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। एंड देन हम लोग जो है इसके बाद आई लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। एंड आई लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग जो है नोज़ लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड जो नोज़ लाइन होगी वो स्मॉल सर्कल के लोअर पार्ट से टच होगी, मतलब वहीं से हम लोग लाइन को ड्रॉ करेंगे। एंड गाइज, लुमिस मेथड के सारे वीडियोज़ में मैं आपको बोलता हूँ एंड अभी भी आपको बोलूँगा कि लुमिस मेथड पर आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट खुद से करना होगा, क्योंकि जो फेसेज है वो सारे सेम नहीं होते, थोड़ी बहुत फेसेस में डिफरेंसेस होती ही है, तो वो आपको खुद से एडजस्टमेंट करनी है कि आइज़ जो है हमारा रेफरेंस फ़ोटो में कैसा है एंड नोज़ कैसी है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रख के लुमिस मेथड को ड्रॉ करनी है। एंड गाइस, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी जो है वो लिप लाइन हो जाती है, और इसके जस्ट नीचे जो है वो चिन लाइन हो जाएगा। चिन लाइन का जो डिस्टेंस है लिप्स से, चिन लाइन का जो डिस्टेंस है वो आई लाइन से नोज़ के डिस्टेंस के सिमिलर ही होता है। तो ये आप एक बात जो है वो ध्यान रखना जब भी आप लुमिस मेथड ड्रॉ कर रहे हो। बट हाँ, सब में ये अप्लाई नहीं होगी, कहीं कहीं किन्हीं का जो चिन है वो थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ होता है, तो वो चीज़ आप जो है रेफरेंस फ़ोटो को देखकर एस्टिमेट करके आप ड्रॉ कर सकते हो। तो गाइज़, यहाँ पर जो लुमिस मेथड का एक स्ट्रक्चर होता है वो हमने ड्रॉ कर लिया है रेफरेंस फ़ोटो को एस्टिमेट करके। तो अब हम लोग जल्दी से जो आईब्रोज़ है एंड जो आइज़ है वो हम लोग जो है ड्रॉ कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है जब आप आइज़ को ड्रॉ करते हो एंड लिप्स को ड्रॉ करते हो एंड नोज़ को ड्रॉ करते हो, तो ये जो है एक फेस का मेन पार्ट होता है। तो अगर आप ये सही से ड्रॉ नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपका जो आउटलाइन है वो रेफरेंस फ़ोटो से मैच ना करे, तो यहाँ पे आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो बिल्कुल ही आराम से जितना भी आपका टाइम लगता है लगने दें एंड अच्छे से पीक को ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना है। तो गाइज, मैं जल्दी से आउटलाइन को कंप्लीट कर लेता हूँ रेफरेंस फ़ोटो को देखकर। एंड आप जो है वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखना, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप एक बिगिनर हो तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकता है, तो वीडियो बिना स्किप किए जरूर देखना।
सो गाइज यहाँ पर हमारी जो रफ आउटलाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसे थोड़ा फाइन दिखाएंगे। तो इसको फाइन दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे 0.5 mm की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, जो कि थोड़ा डार्कर चलता है। तो इससे हम लोग जो है लाइन को क्लियर कर लेंगे। सो गाइज हमारी जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम लोग जो एक्स्ट्रा लाइंस दिख रहे हैं जो लुमिस मेथड से हमने ड्रॉ करा था, तो वो लाइंस को हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा लाइंस थे वो हमने क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत डिटेलिंग ऐड करेंगे एंड जितना एरिया हम लोग को सेट करना है वो भी हम लोग मार्क कर लेंगे कि हाँ हमें इतना से इतना एरिया को सेट करना है।
सो गाइज हमारी जो आउटलाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है एंड यहाँ पे हमें कितना एरिया सेट करना है वो भी हम लोग मार्क कर लेते हैं एंड देन जो है हमारी आउटलाइन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। एंड गाइज आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी एंड कैसे हम लोग लुमिस मेथड से आउटलाइन ड्रॉ करते हैं तो इसमें आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल गया होगा। एंड गाइज लुमिस मेथड से रिलेटेड आपको और भी वीडियोज चाहिए तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो एंड मुझे बता सकते हो आप कि मुझे किन का जो फेस है वो लुमिस मेथड से ड्रॉ करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। एंड गाइज आई होप कि आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।